रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे पहले आया था और उसके ऊपर मेन कल्प्रिट के रूप में पब्लिक की तरफ से उसी को देखा जाता है। लेकिन अब जो है रिया चक्रवर्ती को एक बड़ा झटका लगा है और ये जो बड़ा झटका दिया गया है ये रूमी जाफरी की तरफ से दिया गया है। आप सबको पता है कि रूमी जाफरी कौन है और रूमी जाफरी ने जब स्टार्टिंग में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो उसी टाइम वो पब्लिक के सामने काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे और पब्लिक के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगे थे। लेकिन साथ साथ में रूमी जाफरी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई थी जिसमें बताया गया था कि रूमी जाफरी जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। मतलब आने वाले टाइम जो उनकी अपकमिंग मूवी थी वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर थी। लेकिन अब जो है कल रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू दिया है वो भी आज तक पे। आप सबको पता है कि आज तक पे ही ऐसे लोग जाते हैं चाहे वो रिया चक्रवर्ती के जितने सपोर्टर हैं सबके सब। तो रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कल तो सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन उन्होंने फिर से इंटरव्यू देते हुए बोला कि काश अगर सुशांत सिंह राजपूत फिर से अलाइव हो पाते जिंदा हो पाते तो मैं उनसे वो सारी चीज़ें बोलता कि आखिरकार उन्होंने ये सारा ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया। मतलब वो आज भी रेडी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, वो खुल ये बात नहीं बोल रहे हैं, वो आज भी यही मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड है, ऐसा जो है रूमी जाफरी कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि रूमी जाफरी ने सुशांत सिंह राजपूत पे जो मूवी को लेकर ऐलान किया था उसको लेकर उन्होंने बोला कि अब वो मूवी मैं नहीं बनाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर ही मैंने उनको देखकर ही पूरी तरह से लिखा था, लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अब इस मूवी में किसी और एक्टर को लेकर इस मूवी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जबकि स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती इस मूवी में वैसे ही लीड रोल प्ले करेगी लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जगह पे किसी और को रिप्लेस करके इस मूवी को बनाया जाएगा। लेकिन अब खुद रूमी जाफरी ने इस मूवी को सीधा सीधा बोल दिया कि अब वो जो है इस मूवी को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए मूवी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ में ये मूवी बनाते लेकिन अब ये मूवी नहीं बनाएंगे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती अभी हो भी क्यों ना, रिया चक्रवर्ती उस मूवी में काम करने के लिए रेडी भी क्यों ना हो। तो सीधा सीधा रिया चक्रवर्ती को एक और बड़ा झटका दिया गया, जहां रूमी जाफरी के द्वारा ही पिछली भी एक मूवी छीन ली गई थी रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एक चेहरे करके एक मूवी आई थी उसमें भी रिया चक्रवर्ती लीड रोल में आने वाली थी, उसका रोल काट दिया गया उस मूवी से। और अब जो है दूसरी मूवी जो कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बनाने वाले थे रूमी जाफरी, उसमें भी उन्होंने बोल दिया कि अब वो मूवी को नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और आने वाले टाइम पर इसी तरह जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया, अब उसका भी फ्यूचर उसी तरह डिस्ट्रॉय होगा। उसको भी आने वाले टाइम पे कोई भी बॉलीवुड डायरेक्टर मूवी नहीं देगा, उसके पीछे का रीजन है सुशांत सिंह राजपूत के फैन। सुशांत सिंह राजपूत जो फैंस है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती किसी बड़ी मूवी में अब आने वाले टाइम पे आए। आपका क्या ओपिनियन है रूमी जाफरी का इस तरह का स्टेटमेंट देना था आज तक के न्यूज पे? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।